कुछ पल के लिए खुलता है कैमरे का शटर और कैद हो जाते हैं हम जिंदगी भर के लिए। हेलो जी, नमस्कार। आज जेएमसी कैप्सूल में हम जानेंगे दानिश सिद्दीकी के बारे में। दानिश सिद्दीकी भारतीय पत्रकारिता जगत में एक फोटो जर्नलिस्ट का वो मशहूर नाम जिनका 1983 की 19 मई को जन्म हुआ। नई दिल्ली के रहने वाले दानिश सिद्दीकी की स्कूलिंग फादर एजनेल स्कूल में हुई और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की, जिसके बाद 2007 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड एजे के मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर से दानिश ने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की। इसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स में करस्पॉन्डेंट के तौर पर दानिश सिद्दीकी का पत्रकारिता में सफ़र शुरू हुआ। फिर हिंदुस्तान टाइम्स के बाद दानिश सिद्दीकी ने इंडिया टुडे ग्रुप के टीवी टुडे नेटवर्क में काम किया और आखिर 2010 में उन्होंने अपने हाथ में कैमरा उठाया और जानी मानी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रूटर्स में इंटर्न के तौर पर काम करते हुए खुद को एक बेहतरीन फोटो जर्नलिस्ट बनाया। रूटर्स में काम के दौरान दानिश ने 2015 में नेपाल अर्थक्विक, 2015 में रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस, 2016-17 में बैटल ऑफ मोसुल, 2019-20 में हांगकांग प्रोटेस्ट, साथ ही 2020 में हुए दिल्ली दंगों को और कोविड-19 पेंडेमिक जैसी अलग अलग सिचुएशंस को कवर किया। उनके सफर के दौरान रोहिंग्या शरणार्थी संकट को कवर करने के लिए उन्हें और उनके रूटर्स टीम मेंबर अदनान अबीदी को 2018 में पुलिट्जर पुरस्कार से नवाजा गया। भारत का नाम रोशन करने वाले पत्रकार पुलिट्जर पुरस्कार विजेता दानिश सिद्दीकी 16 जुलाई 2021 को हमारे बीच नहीं रहे। असल में दानिश अफगानिस्तान कंधार के स्पिन बोलडाक में अफगानी फोर्स और तालिबान की लड़ाई को कवर कर रहे थे, जहां अफगानी स्पेशल फोर्स पर हुए तालिबान के हमले में तालिबानी गोली से दानिश की मृत्यु हो गई। फिलहाल उनकी मृत्यु पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका की वॉशिंगटन एग्जामिनर मैगजीन ने दानिश की बर्बरता से तालिबान द्वारा हत्या करने की बात लिखी है, जिसके बारे में न्यूज लॉन्ड्री और भारतीय अन्य मीडिया हाउसेज ने भी बताया है। अगर बात करें दानिश के परिवार की तो उनकी पत्नी का नाम रिकी है, जो एक जर्मन नागरिक हैं। दानिश और रिकी के दो बच्चे हैं, जिनमें उनका बेटा यूनुस और बेटी का नाम सारा है। दानिश की ली हुई तस्वीरें हमेशा से चर्चा का विषय रही हैं। आइए आज की इस वीडियो के आखिर में एक नज़र डालते हैं दानिश सिद्दीकी द्वारा ली गई दुनिया भर के अलग अलग हालातों की बोलती हुई तस्वीरों पर। रफ्ता रफ्ता सब तस्वीरें धुंधली होने लगती हैं कि रफ्ता रफ्ता सब तस्वीरें धुंधली होने लगती हैं, कितने चेहरे एक पुराने एल्बम में मर जाते हैं। दानिश सिद्दीकी हमारे देश के एक निडर और चर्चित पत्रकार थे। उनके हमारे बीच ना होने से हम सभी को बहुत दुख है और उनका हमारे बीच ना होना भारतीय पत्रकारिता के लिए बहुत बड़ी क्षति है।